हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें अपने रूटीन में कार्डियो करना ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज। वो आप कार्डियो कीजिए, या फिर अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप घर में आधा से एक घंटा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अगर आप जिम में नहीं तो बाहर रोड पे आप जहाँ पे भी, या पार्क में ऐसी जगह है जहाँ आप रनिंग कर सकते हैं, रोड साइड ऐसी साइड जगह है जहाँ आप रनिंग कर सकते हैं तो कीजिए। और ये प्रोटीन हमारे रूटीन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन अंडा है, दूध है, सोयाबीन है, और आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होता है। तो वो आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। इससे हमारा हेल्थ भी ठीक होगा, स्किन भी ठीक होगा, क्योंकि हॉर्मोन्स ठीक होंगे तो हम खुद ठीक होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी की वजह से होती है। तो प्रोटीन को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। और दूसरा, हमको जंक फूड नहीं खाना है। वो तो वैसे भी मना ही होता है, जंक फूड खाना तो नुकसानदेह होता है, जिससे हमारी स्किन भी खराब होती है, हेल्थ भी खराब होती है। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, एक घंटा, आधा घंटा, जिससे कि आपका हेल्थ भी ठीक हो। योगा से आपका हेल्थ भी ठीक होगा और आप भी ठीक रहेंगे। म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक को फील कीजिए, आधा एक घंटा म्यूजिक में अपना ध्यान लगाइए। इससे भी बहुत अच्छा रूटीन रहता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि आजकल की लाइफ में लोगों को पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है, जॉब को लेके स्ट्रेस है, फैमिली में प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस है, हर चीज़ में सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। हो सके थोड़ा बहुत डांस कर लीजिए अगर आप फ्री हैं आधा घंटा, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान लगाइए। इससे आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने में बहुत मदद मिलेगी। तो हैप्पी रहिए और दूसरों को भी हैप्पी रखिए, और ये सारे रूल्स फॉलो कीजिए अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।